हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, SSC आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स, अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं स्टेट के GK क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? जिसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो जिसका जवाब है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो जिसका आंसर है चिल्का झील। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? जिसका आंसर है दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से, निम्नलिखित में से किसने अपने 16 क्षेत्रीय डिपो से देश में 200 परीक्षण प्रयोगशालाओं में COVID-19 परीक्षण किटों की डिलीवरी के लिए ICMR के साथ अनुबंध किया है? तो जिसका सही जवाब है इंडिया पोस्ट। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी कोरोना वायरस COVID-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है। एक किट ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाई जाएंगी। ICMR पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख COVID-19 परीक्षण करने की योजना पर काम कर रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भारतीय डाक ने अपने 1,50,000 डाकघरों के साथ ICMR के साथ समझौता किया है। इन किट्स को सूखी बर्फ की पैकिंग के साथ भेजा जाएगा। ICMR के महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। ICMR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय डाक की स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुई थी। भारतीय डाक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICMR का सबसे जब फॉर्मेशन हुआ था 1911 में, 1911 में, तब इसका नाम था IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। फिर इसका 1949 में ICMR नाम रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? तो जिसका जवाब है वंदे भारत मिशन। इस मिशन के लिए एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। दोनों कंपनियों वंदे भारत मिशन के तहत काम करेंगी। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हाईवे हवाई अड्डे आने वाले यात्रियों को पहुंचने की तारीख से 14 दिन पृथकवास में रखा जाएगा, जिसके लिए उन्हें स्वयं भुगतान करना होगा। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी टाटा एयरलाइंस के रूप में, और जिसके चेयरमैन एंड MD हैं राजीव बंसल, और जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? जिसका सही जवाब है मुकेश अंबानी। इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वो पहले स्थान पर मौजूद हैं। वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधाकृष्ण धवानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं बायजू के फाउंडर भी सबसे युवा अरबपतियों में से एक हैं। फोर्ब्स मैगजीन की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में 15 सितंबर 1917 में, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? जिसका सही जवाब है गरुड़।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने गरुण पोर्टल लॉन्च किया। गरुण का पूर्ण रूप है गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। गरुण पोर्टल COVID-19 उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। यह पोर्टल महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राज्य निकाय सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने के लिए ड्रोन तैनात कर रहे हैं। विशेष रूप से स्मार्ट सिटीज, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसका मुख्यालय है सफदरगंज एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में, और जिसके डिप्टी मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो जिसका सही जवाब है कर्नाटक। राज्य सरकार ने किसानों, लघु कुटीर एवं मध्यम उपकरों MSME, हथकरघा बुनकरों, फूलों की खेती करने वालों, धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने 11% आबकारी उत्पाद शुल्क वृद्धि की घोषणा की, जो बजट में घोषित 6% की वृद्धि के अतिरिक्त है। सरकार ने उनकी समस्याओं को समझते हुए फसल के नुकसान के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई? तो जिसका सही जवाब है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। केंद्र सरकार ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैकेज बांटने की केंद्र और राज्य सरकार नियमित निगरानी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी है? तो जिसका सही जवाब है मैक्सिको। सरकार ने हाल ही में भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा का पर्याप्त भंडार है और घरेलू बाजार में इस दवा की कमी नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने महत्वपूर्ण व उपयोगी बताया जा रहा है। सामान्य तौर पर मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, वो करेंसी है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में सुरक्षित संदेश और फाइल शेयरिंग सेवा कीबेस के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है जूम। जूम वीडियो कम्युनिकेशन ने गुरुवार को अपनी सुरक्षा को सुधारने के प्रयास में गुरुवार को आगे बढ़ा दिया। उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के साथ एक सौदा किया और सुरक्षित संदेश सेवा स्टार्टअप कीबेस को खरीदा। जूम के CEO एरिक एस युआन है और इसकी स्थापना हुई थी 21 अप्रैल 2011 में, जिसका हेडक्वार्टर सैन जोस कैलिफोर्निया US में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE को किसके द्वारा डिज़ाइन और बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया है जो नैदानिक कोरोना वायरस COVID-19 स्थितियों में उपयोग किया जाता है? तो जिसका सही जवाब है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना द्वारा डिज़ाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण PPE के नैदानिक कोरोना वायरस स्थितियों में बड़े पैमाने पर उत्पादित और उपयोग करने के लिए प्रमाणित किया गया, जिसका परीक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज INMAS दिल्ली द्वारा किया गया। इंडियन नेवी की स्थापना 5 सितंबर 1612 को हुई थी, जिसका मोटो है सम नो वरुणा। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, जिसके चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह और वाइस चीफ हैं वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में COVID-19 से सुरक्षा के लिए आवश्यक PPE कवर ऑल के परीक्षण के लिए कितनी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है? जिसका सही जवाब है 8। COVID-19 से सुरक्षा के लिए आवश्यक PPE कवरऑल के परीक्षण के लिए 8 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है।
हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने पीपीई कवर ऑल के निर्माताओं से प्रत्येक उत्तीर्ण प्रोटोटाइप नमूने के लिए विशिष्ट प्रमाणन कोड QCC जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मई 2020 में मेरिलगोन क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे? तो इसका सही जवाब है कुमार संगकारा। MCC के पहले विदेशी अध्यक्ष कुमार संगकारा ने 1 अक्टूबर 2019 को क्लब की कमान संभाली थी। MCC के अध्यक्ष का कार्यकाल पारंपरिक रूप से 12 महीने का होता है, लेकिन पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड हॉक 1914 से 1918 और स्टैनली क्रिस्टोफरसन 1939 से 1945 दोनों ने लंबे समय तक सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? तो जिसका आंसर है वर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड्स। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पक्षी प्रवासी दिवस को एक वर्ष में 2 बार मनाने का निर्णय लिया, मई और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष 2020 में 9 मई को और 10 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनकी आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो जिसका सही जवाब है मई में दूसरे रविवार को। मई में दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। यह परिवार और समाज में उनके योगदान के लिए माताओं को सम्मानित करने का समय है। यह माना जाता है कि मदर्स डे पहली बार अमेरिका में वर्ष 1908 में मनाया गया था, जब अन्ना जॉर्विस नाम की एक महिला ने वेस्ट वर्जीनिया में ग्रोफ्टन के सेंट एंड्रयूज मेथोडिस्ट चर्च में अपनी माँ के लिए एक स्मारक रखा था। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं कक्षा के छात्रों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी और प्री बोर्ड परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा? तो इसका जवाब है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह घोषणा की है और कहा है कि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए राज्य केंद्र सरकार के निर्णय का पालन करेगा और 5वीं से 10वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के अगले मानक पर पदोन्नत किया जाएगा। पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर, राजकीय पशु ब्लैकबक, राजकीय पक्षी नॉर्दर्न गोसॉक, बांध रणजीत सागर बांध जो रावी नदी पर बना हुआ है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 2022 तक 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे बढ़ाया गया है? तो जिसका सही जवाब है दिया मिर्जा। क्वेश्चन ऑफ द डे, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट और शेयर जरूर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।